नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवतीर्थ साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अनअकैडमी स्टूडियोज एनग्रेव में। दोस्तों, ये एनग्रेव होता क्या है? एनग्रेव शब्द के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। एनग्रेव का मतलब होता है नक्काशी करना किसी पत्थर या किसी मेटल पे। आप उसमें कुछ रंग करते हो, कुछ आकृति बनाते हो, कुछ लेटर्स लिखते हो, वो एनग्रेव कहलाता है। और हम ऐसा मानते हैं कि आप हीरा है। हमारा काम, हमारे पूरे टीम का काम आपको तराशने का है। तराशने का अर्थ है कि आपको दिशा देने का है, आपके मंजिल तक पहुंचाने का हमारा प्रयास, ये हमारी टीम कर रही है, अनअकैडमी स्टूडियोज एनग्रेव। तो ये हमारे टीम के कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, नेहा मलिक, सरोहा मैम, ढाका मैम, और भी हमारे कुछ मेंबर्स हैं, उनके बारे में मैं तारुफ करवा दूं। यहाँ बडोनी सर हैं, राव सर हैं, अंसारी सर हैं, खान सर हैं, और मैं भी आपके साथ जुड़ रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन है क्या? और यकीन जानिए, नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान के चलिए, जैसे कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं और बिल्डिंग में हम सबसे ज़्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो ईंट, ब्रिक। बिना ब्रिक के हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये इंग्लिश का ब्रिक है, नाउन। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन डिपेंड करेगा वो नाउन के बारे में होगा। तो आज हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करा दूँ। मेरा पूरा नाम है देवतीर्थ साहू एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। मुझे 16 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 3 से 4 लाख लोग अब तक मेरे से एजुकेशन ले चुके, मैं उनको मेंटरिंग कर चुका हूँ। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम मैंने निकाले हुए थे और मैं बेसिकली एक ऑथर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मेरी किताबें मार्केट में मिलती है माइंड योर इंग्लिश के नाम से। टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड कर लेना है और हमारा चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको अनेक प्रकार की जानकारियां समय समय पर मिलता रहेगा। साथ में आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें आप अपना गोल सेट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, SSC, जो भी आपके जीवन में जो आप बनना चाहते हैं उसको आप सेट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप प्लस हमारा प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, अनअकैडमी प्लस को, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। पहला फायदा तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे डाउट क्लासेस होंगे, जो भी आपके डाउट है पूरी टीम हमारी सॉल्व करने का प्रयास करेगा। एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप बहुत सारे एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, जितने भी, जैसे आप अगर मान लो SSC लेते हो तो उसमें कई एजुकेटर्स हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको, देखिए, ये फायदा आपको कोचिंग में नहीं मिलने वाला। कोचिंग में तो एक ही टीचर मिलेगा, उसी से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे बातें होंगी जो प्लस में आपको मिलता है। साथ ही साथ आपको टेस्ट रिस मिल जाएगा, मॉक टेस्ट होगा, वगैरह वगैरह भी सारे हैं इसमें फायदे आपको। ठीक है, ये दोस्तों, ये आपको कोड याद रखना है, देव लाइव। ठीक है, इस अगर कोड को याद रखते हैं तो मैं आपको फायदा मैं बताता हूँ इसका क्या फायदा होगा। देखिए, अगर आप हमारा SSC कोर्स का अगर एक साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 6000 का होता है, और अगर आप 2 साल अर्थात 24 महीने का लेते हैं तो 9600 होता है। बट अगर आप ये मेरा जो कोड है, रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो कोर्स 6000 का वो 5400 हो जाएगा, और ये जो है 8640 का हो जाएगा, जिसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको ये रेफरल कोड DEOLIVE डालने का है। चलिए, तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो जैसा कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, नाउन है क्या। ठीक, बिल्कुल मैं अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और ऐसा मेरा मानना है कि जब तक बेस में हम ध्यान नहीं देंगे तब तक तकलीफ होता रहेगा। हमको अपना बेस क्लियर करना है। ठीक, तो जैसा कि आप पिक में देख पा रहे हैं, एक बच्ची, ठीक, यहां पर पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको पता है कि हर एक इंसान को 5 senses मिले हुए हैं, 5 इंद्रियां हर एक इंसान के शरीर में होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो जैसे कि आंखें, ठीक, साइट जिससे हम देख सकते हैं, कान जिससे हम सुन सकते हैं, नाक भगवान ने हमको दिया हुआ है जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, और टंग, जीभ या जबान कह लीजिए आप, जिससे हम टेस्ट या स्वाद ले सकते हैं। देखिए, टेस्ट की स्पेलिंग अलग है ना, इसका मतलब होता है स्वाद लेना, और एक और टेस्ट होता है TEST, उसका मतलब होता है एग्जाम। ठीक, और हाथ या दिल जिससे हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, छू के हम महसूस कर सकते हैं। अब नाउन क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज अ नाउन, क्लियर? अब देखिए, मैं क्या कहता हूं इसको समझिए कि 5 इंद्रियां से जो जो आप काम लेते हैं वो सबका सब नाउन कहलाएगा। भगवान ने 5 इंद्रियां दिया है, उन 5 इंद्रियों से, 5 senses से जो जो काम आप लेते हैं सबका सब नाउन कहलाएगा। अब आप मुझे बताइए, देखने का, आंख, आंख से हम देखने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं
चल आई, ठीक। तो अगर आप आई की बात करते हो, आंख जो है हम उसे क्या काम लेते हैं, देखने का काम लेते हैं। तो जो जो चीजों को आप देखते हैं सबका सब नाउन कहलाएगा। अब आप ये देखिए वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इसके अलावा देखिए आप क्या क्या चीजें आपके घर में दिख रहा होगा या क्लास में या कहीं पर भी बैठे होंगे। तो आपको देखिए, एक तो जो चीज आप जिस माध्यम से देख रहे हैं, एक तो मोबाइल, ठीक है, मोबाइल आप देख रहे होंगे, आपके पास शायद कोई कॉपी पड़ा होगा, घर पे हो तो आपके पास टीवी पड़ा होगा, ठीक है, कोई चेयर पड़ा होगा। तो देखिए हम आंखों से क्या क्या चीजें देख सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, मोबाइल को देख सकते हैं, कार को, बाइक को, टेबल को, बुक को, कॉपी को, जो जो चीजें आप आंखों से देख रहे हो भाई सबका सब नाउन है। आप किसी इंसान को देख रहे हैं नाउन कहलाएगा, किसी आप जानवर को देख रहे हो सबके सब नाउन कहलाएगा, किसी घर को आप देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, किसी ड्रेस को देख रहे हैं, किसी थिएटर को देख रहे हैं, सबका सब नाउन। तो मैंने बताया पांच इंद्रियां शरीर में है, पहला इंद्री आंख, आंख से हम देखने का काम करते हैं, और जो जो चीजें आप देख रहे हो सबका सब नाउन कहलाता है, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं दूसरे इंद्री का। चलिए दूसरा इंद्री हम ले लेते हैं, आपका कान, ठीक है, ईयर। तो ईयर कान, कान से हम क्या क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। तो आप क्या क्या सुनते हो भैया, सॉन्ग, म्यूजिक, कोई साउंड, ठीक है, या किसी का पोयम सुन लेते हो, किसी का स्पीच, और क्या क्या सुन सकते हैं आप, किसी की गाली भी, एब्यूज, क्लियर। तो जो जो भी आप कान से सुन रहे हैं, कान भी एक प्रकार के इंद्रिय, कान से जो जो भी चीजें आप सुनते हो सबका सब नाउन कहलाएगा। जैसे आप गानों को सुनते हैं, कोई म्यूजिक है या धुन को सुनते हैं, कोई साउंड को सुन रहे हैं, साउंड कोई चिल्लाने का साउंड है या कुछ बुलाने का साउंड है, पोयम, कोई कविता आप सुनते हो, किसी का स्पीच सुनते हो, किसी की गाली भी सुन लेते हो, भगवान ना करे कोई आपको गाली दे, बट अगर ऐसा सुन रहे हो तो ये सब का सब नाउन कहलाएगा। तो पहला आपने देखा आंखों से जो चीजें हम देखते हैं नाउन कहलाता है, और दूसरा कान, ईयर्स, जो आप कानों से जो सुनते हो वो नाउन कहलाता है, क्लियर है। चलिए अब तीसरे की हम बात करते हैं, बने रहेंगे बिल्कुल, मैं आगे भी आपको भगवान गणेश के माध्यम से भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सूंघने की, बात करते हैं नोस, नाक, ठीक है। तो नाक से हम क्या क्या सूंघते हैं, स्मेल, ठीक है, और किसी खाने का गंध आप सूंघ सकते हो, ठीक है। तो नाक से हम सूंघने का काम करते हैं, तो जो जो चीजों को हम सूंघ सकते हैं, किसी खाने का जो गंध आ रहा है, किसी के बॉडी से जो स्मेल आ रहा है, या फिर कोई किसी के कपड़ों से कुछ स्मेल आ रहा है, तो जो सूंघा जा सकता है वो भी नाक कहलाएगा, क्लियर। चलिए बहुत ज्यादा एग्जांपल तो नाक से है नहीं। अब बात करते हैं जबान, ठीक है। तो टंग की अगर हम बात करते हैं, जबान की हम बात करते हैं, हमारा जो टंग है, एक तो मेरा पेन बड़ा मजेदार है, जबान से हम क्या क्या चख सकते हैं, ठीक है। तो किसी फूड को हम टेस्ट कर सकते हैं, टी को, ठीक है, वाटर को, मिल्क को, ठीक, मिल्क को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो जबान या टंग से जो जो चीजें हम टेस्ट कर सकते हैं सब के सब नाउन कहलाएगा। जैसे कि आपने फूड को टेस्ट कर लिया, आपने टी पिया उसको आपने टेस्ट कर लिया, कोई फ्रूट आपने खाया उसको आपने टेस्ट कर लिया, जहर खा लिया किसी ने तो उसको टेस्ट कर लिया, भगवान जी ने वो टेस्ट बताएगा कैसे। तो जबान से जो जो आप काम लेते हैं जो है ना, वो टेस्ट करने का सबका सब नाउन कहलाएगा। चलिए लास्ट हम बात करते हैं पांचवा जो इंद्री है, ठीक है, हमको हैंड, या अगर हम बात करें अपने दिल का, हार्ट का, ठीक है, तो हम इससे क्या काम लेते हैं, महसूस करने का काम लेते हैं, ठीक है। हम अपने बॉडी से पूरा बॉडी ले लेते हैं ना, तो बॉडी जो होता है, हमारा जो शरीर होता है, त्वचा होता है, ये महसूस करने का काम करता है। अब आप क्या क्या चीज महसूस कर सकते हो, तो जैसे कि आप टच किए तो कोल्ड को आपने महसूस कर लिया, हॉटनेस को महसूस कर लिया, दिल से आप किसी का नफरत, ठीक है,
किसी के लिए प्यार, किसी के लिए गुस्सा। क्या गुस्सा को हम महसूस नहीं करते, किसी के एंगर को फील कर लेते हैं, अरे बड़ा गुस्सा हो रहा है आदमी, है ना, तो हम गुस्सा एंगर को फील कर लेते हैं। कोई नफरत कर रहा है तो हम नफरत को महसूस कर लेते हैं, हेट, ठीक है। कोई प्यार हमको कर रहा है, कोई बच्चा है, कोई जानवर है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है, हमसे प्यार करते हैं, उस लव को हम महसूस कर लेते हैं। छू के हम कोल्ड को, हॉट को, अगर कोई वस्तु हॉट है तो हम महसूस कर लेते हैं छू के। तो शरीर के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, दिल के माध्यम से, मन के माध्यम से, जो जो चीजें आप महसूस करते हो सबका सब नाउन कहलाएगा। तो रिवाइज कर दूं, 5 शरीर में इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियों से जो जो काम लेते हो सबका सब नाउन कहलाएगा। आंखों से जो देखते हो, कानों से जो सुनते हो, नाक से जो सूंघते हो, जबान से जो टेस्ट करते हो, त्वचा और शरीर से जो आप महसूस करते हो, तो ये सारे के सारे नाउन कहलाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया व्यवहारिक बात। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, है ना, थोड़ा किताबी भाषा में बात कर ले। तो नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है तो भैया, तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, तो इनको हमको याद करना है। तो पहला देखिए, बोल के देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर के बाद आता है कॉमन, कॉमन के बाद आता है आपका कलेक्टिव, कलेक्टिव के बाद होता है मटेरियल नाउन, और मटेरियल के बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार के नाउन को पकड़ना होगा। कई जगह वैसे 6 भी बताते हैं, बट व्यवहारिक रूप से अगर आप देखें, बुकिश नॉलेज के हिसाब से अगर देखें, तो 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब मैं एक एक करके इनको समझाता हूं, और लास्ट में भगवान गणेश के माध्यम से इनको मैं याद करके रखवाना भी सिखाऊंगा कि दिमाग में इनको कैसे बैठा के रखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या होता है इसका थ्योरी, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। तो व्यक्तियों के नाम को हम, जो जो भी व्यक्ति के नाम होते हैं वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर है? तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी पर्टिकुलर बुक का नाम, किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम, देखिए प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली क्या, तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जो नाम आप बोलते हैं, व्यक्तियों के नाम को हम नाउन कहेंगे। कौन सा नाउन कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि गणेश, सरोज, तो ये किसी व्यक्ति के नाम है, पर्टिकुलर किसी प्रॉपर नाउन कहलाएगा ये। और प्रॉपर सिंगल ही होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे गणेश, तो गणेश किसी एक व्यक्ति का ही नाम ना होगा, ठीक है। सरोज, सरोज ही उसका नाम होगा, किसी पर्टिकुलर का नाम, ठीक है। शहरों के नाम जो जो भी आप जैसे जानते हैं, दिल्ली जानते हैं, रायपुर जानते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एक शहर का नाम है दिल्ली, पर्टिकुलर एक शहर का नाम है रायपुर, तो ये सब प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। और देखिए महीनों के जो नाम होते हैं, ठीक है, सेप्टेम्बर हो गया, जुलाई हो गया, तो ये भी पर्टिकुलर एक महीने का नाम है, ये आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दिनों के जो नाम होते हैं, ठीक है, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, वेंसडे हो गया, तो ये पर्टिकुलर एक डे का नाम है, दिन का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नदियों के नाम, द गंगा, द यमुना, ठीक है, तो ये भी एक पर्टिकुलर नदी का नाम है। एक्चुअली इसको समझने का प्रयास ऐसे करें, जैसे किसी बच्चे से मैं पूछता हूँ कि भैया कहाँ रहते हो, तो वो बोलता है मैं शहर में रहता हूँ, तो बोलते भाई शहर तो बहुत सारे हैं, कौन सा शहर, तो हम बोलते दिल्ली। तो देखिए शहर तो कई सारे हो गए, लेकिन दिल्ली बोल के आपने एक पर्टिकुलर शहर का नाम लिया, समझ रहे हो ना। क्या खाते हो? खाना। खाना तो बहुत सारा चीज है, खाना में क्या खाते हो? दाल चावल, तो ये पर्टिकुलर हो गया। क्लियर है? ठीक है, कौन सा मतलब तुमको, जैसे अगर हम बोले कि तुमको क्या पसंद है, तो नदी पसंद है मुझे, तो नदी में मतलब कौन सा नदी पसंद है, द गंगा या द यमुना, आप इस तरह से बोल सकते हैं। ऐतिहासिक भवनों के जो नाम होते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, और याद रखेंगे ना, नदियों के नाम के आगे द भी लगाते हैं, ऐतिहासिक भवन के नाम के आगे आपका द लगता है, लेकिन सितंबर हो गया या स्थान के नाम इसके आगे द नहीं लगता है, ठीक है। खाड़ियों के नाम के आगे, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। पुस्तकों के नाम के आगे, द रामायण, द गीता, ठीक है ना। तो जो भी हमारे एपिक्स हैं, हमारे जो धार्मिक पुराण होते हैं, उनके आगे भी द लगाते हैं। तो पुस्तक के नाम, जैसे जैसे कि तुमको क्या अच्छा लगता है, तो बोलता है मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो पुस्तक में क्या पढ़ना अच्छा लगता है, बोलते रामायण। तो कोई पर्टिकुलर आपने बुक का नाम लिया, तो बुक तो कई सारे हो गए ना, लाखों करोड़ों बुक है, लेकिन रामायण तो एक ही किताब है, ठीक है। द गीता, तो गीता भी एक ही, तो आपने प्रॉपर कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, तो ये प्रॉपर नाउन आपका कहलाएगा। प्रांतों के नाम, जैसे कि हरियाणा, गुजरात,
ठीक है, तो ये भी जैसे कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं बोला एक राज्य में रहता हूँ, तो कौन सा राज्य, हरियाणा में या फिर गुजरात में, क्लियर है यहाँ तक। देश के नाम, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं एक देश में रहता हूँ, कौन सा देश भाई, देश तो बहुत सारे, इंडिया, तो आपने खास दे, देखिए खास शब्द को आप पकड़ लीजिए, खास कोई पर्टिकुलर, कोई प्रॉपर, कोई निश्चित, तो एक निश्चित देश का नाम आपने लिया इंडिया, एक खास देश का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा, जापान वगैरह, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, वह नाउन जो किसी खास आदमी, स्थान और वस्तु का नाम ना हो बल्कि एक ही वर्ग के व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के लिए प्रयोग की जाती हो, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे कि बुक, बॉय, सिटी, गर्ल, रिवर, टेबल, ट्री, विलेज और मंथ इत्यादि। तो किसी खास आदमी की बात नहीं करें, एक ऐसा जाति जिसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे देखिए इस थ्योरी को पढ़िए, वह नाउन जो किसी खास आदमी, स्थान और वस्तु का नाम ना हो बल्कि एक ही वर्ग के व्यक्ति, एक ही वर्ग के वस्तु या एक ही वर्ग के स्थानों के लिए प्रयोग किया जाए, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे बुक, तो बुक एक प्रकार का एक क्लास हो गया जिसमें अनेक प्रकार के किताबें हो सकती है। जैसे बुक में फिक्शनल हो सकता है, रामायण हो सकता है, गीता हो सकता है, चंपक हो सकता है, तो ये आपका कॉमन कहलाएगा, क्लियर है। इसको एग्जांपल से समझिए और अच्छे समझ में आएगा। गीता इज अ होली बुक, वैसे गीता के आगे द लगाना चाहिए, ठीक है, मैं लगा देता हूं, द गीता इज अ होली बुक। अब आप देखिए ये बुक हो गया आपका कॉमन, लेकिन आपने क्या बोला, एक पर्टिकुलर आपने बुक का नाम लिया, तो ये हो गया आपका प्रॉपर, ठीक, और ये हो गया कॉमन, ठीक है, COMMON, ठीक है। तो बुक, तो बुक तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन हो गया, लेकिन आप एक खास बुक की बात कर रहे हो गीता, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर। एक और एग्जांपल देखिए, द गंगा इज अ होली रिवर या द गंगा इज द रिवर ऑफ नॉर्थ, ठीक है। चलिए इसके आगे भी मैं द लगा देता हूं, द गंगा इज अ रिवर ऑफ द नॉर्थ। याद रखिए डायरेक्शन के आगे हमेशा द आर्टिकल यूज होता है, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्शन का नाम है, डायरेक्शन के नाम के आगे हमेशा द, नदियों के नाम के आगे हमेशा द, होली बुक्स के नाम के आगे हमेशा द लगाया जाता है। ये मैं और आपको आने वाले क्लासेस में आर्टिकल अच्छे से बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, रिवर, रिवर यानी नदी, तो नदियां तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, तो नदी जो हो गया एक प्रकार की जाति हो गई, क्लास हो गया, कॉमन हो गया, बहुत सारे हैं भाई, कॉमन है, लेकिन आप कोई कॉमन नहीं, एक पर्टिकुलर नदी की बात कर रहे हो, तो गंगा क्या हो गया आपका प्रॉपर, और रिवर जो हो गया आपका कॉमन, क्लियर। हिसार इज अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, तो हिसार एक शहर का नाम है भाई, ठीक है, तो सिटी, सिटी तो अनेक होते हैं लेकिन हिसार तो एक ही है, तो ये प्रॉपर हो गया, पर्टिकुलर किसी एक शहर की बात कर रहे हो, तो शहर अनेक है, तो अनेक है मतलब ये हो गया कॉमन, तुम तो बहुत सारे भैया कॉमन हो तुम तो, लेकिन तुम तो खास हो, हिसार एक ही है, प्रॉपर, तो प्रॉपर मतलब कोई पर्टिकुलर एक, और कॉमन मतलब अनेक, उसके कई वैरायटीज आपको मिल सकता है। यहां तक क्लियर हुआ होगा, होप सो। चलिए दोस्तों कलेक्टिव नाउन के हम बारे में बात करें, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कलेक्शन, कलेक्शन से कलेक्टिव नाउन आ रहा है, क्या बोलता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, जैसे कि असेंबली, ऑडियंस, आर्मी, ठीक है, आपका बंच हो गया, आपका बंडल हो गया, क्लास हो गया, क्लब हो गया, कमिटी हो गया, क्राउड, फैमिली, फ्लीट, फ्लॉक, इटीसी, समूहवाचक, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हो, कॉमन नाउन जो होते हैं उनको जोड़ के आप एक समूह बना ले। तो याद रखना कलेक्टिव जो नाउन होता है वो कभी भी प्रॉपर नाउन का कलेक्शन नहीं होता है, ये हमेशा जो आपके कॉमन नाउन होता है उनका कलेक्शन। तो कॉमन नाउन को कुछ आप कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के बाद आप उसको एक नाम दे देते हो, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कैसे समझिए, अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है,
तो देखिए फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक जो होता है ना भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। ठीक, तो शिप यानी भेड़, भेड़ तो कई प्रकार के होते हैं, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन, क्लियर। लेकिन आप क्या करते हो, अनेक शिप को है ना, एक शिप दो ऐसे करके खूब सारे भेड़ों को लाते हो और एक समूह बना देते हो और उसी को आप क्या बोलते हो, फ्लॉक, क्लियर है यहां तक। दिस गार्लैंड इज मेड ऑफ अ रोज, ठीक है। अब यहां पे समझिए, तो रोज हो गया फूल, ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन। अनेक प्रकार के रोज होते हैं, रेड है, येलो है, ब्लैक है, हाँ ब्लैक रोज भी होता है, अनेक प्रकार के रोज होते हैं, उनके नाम भी होते हैं, तो ये तो हो गया कॉमन। तो आपने क्या किया, एक फूल को जोड़ा, ऐसे बहुत सारे फूल को जोड़े और एक आपने माला बना लिया जिसमें अनेक फूल है। वाओ, मेरी तो चित्रकारी इतना अच्छा है कि हमें हुसैन भी फेल हो जाएगा। अच्छा वो आदमी जिंदा नहीं है, ये देखता तो फिर से मर जाता है। तो आप क्या करते हो, अनेक फूल को जोड़ के आप एक माला, अच्छा गार्लैंड यानी माला होता है, मैं बताना भूल गया, ठीक है, गार्लैंड यानी माला। तो आप क्या करते हो, अनेक फूल को जोड़ते हो और जोड़ने के बाद जो बन जाता है वो माला कहलाता है। तो आपका माला बना एक, लेकिन इसके अंदर कई फूल हैं, तो आपने कलेक्ट किया कई फूलों को और उनको जोड़ के आपने माला बना दिया, इसलिए गार्लैंड जो शब्द है वो आपका कलेक्टिव प्रोनाउन नाउन कहलाएगा, और जबकि जो रोज है वो कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थ जिसमें पदार्थ की बात हो, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं जिसमें मटेरियल की बात हो। जैसे कि भैया एग्जांपल देखिए, कॉपर, कॉटन, गोल्ड, मिल्क, ऑयल, सिल्वर, सुगर, वाटर, वुड, वूल, क्या है ये सब, ये पदार्थ है। कॉपर एक प्रकार का पदार्थ है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कॉटन ये भी पदार्थ है, गोल्ड ये भी एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, इज अ मटेरियल, मिल्क ये भी एक प्रकार का मटेरियल है। तो ये सबके सब जो आप पदार्थ को की बात करते हैं ये सब मटेरियल नाउन कहलाएगा। सिल्वर हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया। अच्छा, मटेरियल नाउन के साथ एक दिक्कत ये है कि इसको अब इसका सिंगुलर प्लूरल वाला फंडा नहीं होता, इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाओगे, मिल्क का प्लूरल फॉर्म होता नहीं है। अब सिंगुलर प्लूरल है नहीं तो मिल्क को माने क्या, तो नाउन सिंगुलर की तरह इनको ट्रीट किया जाता, तो मटेरियल नाउन को हमेशा नाउन सिंगुलर की तरह, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म होता नहीं है, याद रखना है ना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चौथा आपने पढ़ा मटेरियल नाउन। लास्ट में पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण या स्थिति का वर्णन एक वस्तु की तरह करते हैं, ठीक है। तो ये भी नाउन है और इसको हम एक वस्तु की तरह ट्रीट कर लेते हैं, किसको, गुण या स्थिति को। तो किसी व्यक्ति वस्तु का जो मतलब उससे रिलेटेड कोई गुण या स्थिति हम वर्णन करना चाहते हैं और एक वस्तु की तरह उसको हम ट्रीट करें, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो जैसे गुण, तो किसी व्यक्ति का क्या क्या गुण हो सकता है, गुडनेस अच्छाई हो सकता है, किसी वस्तु में आप देखिए कपड़े में वाइटनेस हो सकता है, किसी इंसान के लिए आप बोलेंगे तो ऑनेस्टी ईमानदारी हो सकता है, एक्शन में प्लेजर है, मूवमेंट है, स्टेट चाइल्डहुड या यूथ, लव एंगर जिसको आप महसूस भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, तो जिसका उपयोग गुण या स्थिति का वर्णन करने के लिए वस्तु की तरह, तो ये भी एक वस्तु की तरह हम यूज करते हैं, गुडनेस को, वाइटनेस को, ठीक है, आपका ऑनेस्टी को, प्लेजर को, मूवमेंट को, चाइल्डहुड बचपना, ठीक है, यूथ युवावस्था, तो ये इनको हम नाउन की तरह ही यूज करेंगे, एक वस्तु की तरह यूज करेंगे, आई मीन टू से, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, क्लियर है। चलिए अब लास्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं, इनको मैं याद करने का प्रयास कराऊंगा कि इनको हम कैसे याद करें, ठीक है। तो आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, तो हम पूछते हैं कि भैया ये कौन है, तो हम बोलते हैं भैया ये तो गॉड है। बोले यार गॉड तो बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के गॉड होते हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है, बोले बात तो सही है, तो एक प्रकार के गॉड है, तो गॉड तो कई होते हैं, तो मतलब ये हो गया कॉमन नाउन,
तो अगर आप इनको गॉड कहते हो तो गॉड जो होगा ये शब्द कॉमन नाउन कहलाएगा, क्योंकि गॉड तो अनेक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के गॉड हैं, ठीक है, और हिंदू धर्म में तो अनेक हैं, तो आप जानते हो जगह जगह कितने सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक। लेकिन हम बोलते हैं भैया ये कौन सा भगवान है, इसका तो कोई पर्टिकुलर नाम तो होगा, तो किसी ने पूछा तो हम बताते हैं, हाँ इनको हम बोलते हैं श्री गणेशा। तो आपने इनका नाम क्या बताया, श्री गणेशा, इस भगवान का नाम गणेश है, श्री गणेश है, तो हमने एक पर्टिकुलर नाम बताया, तो ये कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन, क्लियर, ठीक। तो गॉड ये एक प्रकार के गॉड है, गॉड में कई प्रकार हो सकते हैं, इसलिए गॉड शब्द कॉमन नाउन कहलाएगा, और चूंकि इनका एक पर्टिकुलर नाम है श्री गणेशा, तो ये आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा, क्लियर। अब आप देखिए इनका शरीर जो है, इनका जो बॉडी है कितना अजीब है, ठीक है ना, जैसे कि ये इंसान नजर नहीं आते हैं, क्योंकि इनका जो सर है वो अलग तरीके से बना हुआ, हाथी का है, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, इनका बॉडी जो अलग है, बिल्कुल अलग है। अब बॉडी शब्द की बात कीजिए, तो बॉडी जो शब्द है ये क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन क्या क्या का, हैंड का, ठीक है, लेग का, हेड का, नोज का, भाई इन्हीं को तो सब, इन सबको जोड़ के आप बॉडी बनाते हो क्या, तो बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ मेनी पार्ट्स, कई अंगों को कलेक्ट करके आप शरीर या बॉडी बनाते हो, तो बॉडी शब्द क्या कहलाएगा भाई, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक। तो पहला आपने देखा कॉमन नाउन, दूसरा आपने प्रॉपर नाउन देखा, तीसरा आपने देखा कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब आप देखिए इनका जो शरीर है, किसी भी इंसान का शरीर हो, किसी का भी भगवान का भी शरीर हो, तो भैया इसके अंदर तो वाटर होगा कि नहीं होगा, आयरन होगा कि नहीं होगा, कैल्शियम होगा कि नहीं होगा, तो ये सब क्या है, एक प्रकार के मटेरियल है भाई, तो ये सब क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन, क्लियर। तो हमारे शरीर में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, ठीक है, तो वाटर होता है, तो ये सारे पदार्थ हैं, और पदार्थवाचक नाउन कहलाएंगे मटेरियल नाउन, ठीक। अब भगवान शिव, सॉरी हाँ भगवान शिव के तो पुत्र हैं, तो अब देखिए भगवान है, तो जब भी अपने ये उनको देखता है, पूजा पाठ करने वाले अपने अनुयायियों को देखता है, अपने भक्तों को देखता है, तो इनके मन में प्यार आता है, खुश होते हैं ये, ठीक है। कई बार जब वो राक्षसों को देखते हैं या गलत काम करते हैं तो एंगर, इनके अंदर गुस्सा आता है, कई बार ये नफरत भी करते हैं ऐसे लोगों से जो गलत काम करते हैं, तो इनके अंदर लव, एंगर, हेट, गुस्सा, तो गुस्सा आते हैं, गुस्सा है। याद है एक बार तो अपने पिता के साथ ही भिड़ गए थे भगवान शिव के साथ, माता पार्वती ने कहा था कि तुम द्वार पर रक्षा करना, ठीक है, मैं अंदर स्नान कर रही, भगवान शिव जी आए, उनको तो पता नहीं था कि ये मेरे भगवान मतलब मेरे पिता हैं, भिड़ गए गुस्से में, फिर भगवान शिव ने इनका मुंडी काट दिया, फिर आगे किस्सा पता है कि नहीं, देख लेना। तो हेट, लव, एंगर, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। तो स्पेलिंग बड़ा तकलीफ, लिख लेना, चलो भावना को समझो तुम लोग, ठीक है। तो जब भी नाउन को याद करना है तो भगवान शिव, भगवान गणेश को आप ध्यान में रखते हुए उनको आप याद कर सकते हैं, तो ये एक प्रकार के भगवान हैं, भगवान तो अनेक होते हैं, इसलिए गॉड शब्द आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम है गणेशा, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक। इनका शरीर, इनका बॉडी, बॉडी जो शब्द है अलग है, देखिए इनका बॉडी, तो बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ मेनी पार्ट्स, तो बॉडी जो है कलेक्टिव प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, और किसी भी शरीर में आप देखिए तो हम बात करेंगे, अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, वाटर होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये सब मटेरियल नाउन कहलाएगा, और गुस्सा आता है कई बार, है ना, प्यार आता है, नफरत होता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ये सारे शब्द आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो ये पांच प्रकार के नाउन मैंने आपको बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट, तो फटाफट रिवाइज करा दो। तो शुरू में मैंने बताया था कि हमारे शरीर में पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां से जो जो आप काम लेते हो वो आपका नाउन कहलाता है, आंखों से जो देखते हो, कानों से सुनते हो, नाक से जो सूंघते हो, जबान से जो टेस्ट करते हो, त्वचा या दिल से जो महसूस करते हो, सबका सब नाउन कहलाएगा। पांच प्रकार के नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको याद रखना है।
तो चलिए ठीक है, तो फिर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर प्लूरल और काउंटेबल अनकाउंटेबल, उसके बारे में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट लेट मी टेल यू, नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो को आप एक से दो बार देखना है जिससे आपको फायदा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।